नमस्कार दोस्तों, मिस्थीरी अस्नूज में आपका स्वागत है। मृत्यु के बाद जब जीवात्मा इस भौतिक शरीर को छोड़ता है तो वे आतिवाहिक देह ग्रहण करता है। इस आतिवाहिक देह से ही वे आगे की यात्रा करता है, फिर यथासमय भोग देह प्राप्त करता है। हमारे हिंदू धर्म में यह प्रसिद्ध है कि जब प्रेत शरीर को भोजन और जल अर्पण किया जाता है तो कहा जाता है, आकाशस्थो निरालंबो वायुभूतो निराश्रय हिदो निर्मिधवान क्षीरवान स्नात्वा पीत्वा सुखी भव। इस श्लोक के अनुसार यह आतिवाहिक देह वायव्य देह होती है। इन स्थूल इंद्रियों से उसे देखा सुना और समझा नहीं जा सकता। हालांकि शास्त्रों में एक मत के अनुसार ये वायव्य देह होती है, लेकिन एक दूसरे मत के अनुसार इसमें अग्नि वायु और आकाश तीनों तत्व रहते हैं। लेकिन उस आतिवाहिक देह में पृथ्वी और जल तत्व का अंश नहीं रहता। मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद उसे तुरंत आतिवाहिक देह ग्रहण करनी पड़ती है, या इसे इस तरह से कहे कि मृत्यु होने पर वे आतिवाहिक देह ग्रहण करने के साथ ही भौतिक शरीर छोड़ता है तो अधिक उचित होगा। स्थूल शरीर या भौतिक शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना होता है। जीवन जीते समय ये पांचों तत्व एक दूसरे से पूरी तरह मिले हुए होते हैं, लेकिन वर्तमान जन्म के लिए प्रारब्ध कर्म के समाप्त होते ही ये मिश्रण या इनका आपस में बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। तब उस समय इन पांच तत्वों में से दो तत्व पृथ्वी और जल, जो कि गुरुत्व से संपन्न होते हैं, शरीर के पार्थिव अंशों के साथ नीचे गिर पड़ते हैं और अग्नि वायु और आकाश ऊपर उठते हैं। यह देह जिसमें केवल अग्नि वायु और आकाश रहते तो हैं, लेकिन उनमें परस्पर घना संश्लेषण नहीं रहता, आतिवाहिक देह कहलाता है। ये आतिवाहिक देह मृत्यु के पश्चात केवल मनुष्य को ही मिलती है, पशु या पक्षी को नहीं। यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि ये आतिवाहिक देह भोग देह नहीं होती। कहीं कहीं इस आतिवाहिक देह को ही लोग प्रेत शरीर समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। मृत्यु के बाद जब पिंड दान किया जाता है तो धीरे धीरे दान किए गए उस पिंड के अणु परमाणुओं के द्वारा उस आतिवाहिक देह के लिए भोग देह का निर्माण होता है। दाह काल में जो पिंड दान किया जाता है और 10 दिनों तक जो पिंड दिया जाता है, उसके फल स्वरूप क्रमशः भोग शरीर का निर्माण होता है। एक बार भोग देह का निर्माण हो जाने पर उस जीवात्मा के पाप पुण्य के अनुसार यदि पुण्य की अधिकता एक सीमा से अधिक होती है तो उसे दिव्य देह की प्राप्ति होती है और उच्च लोकों यानी देवलोक आदि में गति होती है, और यदि पाप की अधिकता एक सीमा से अधिक होती है तो यातना देह की प्राप्ति होती है और नीचे के लोकों यानी नरक इत्यादि की तरफ गमन होता है। उस सीमा से कम पाप पुण्य होने पर वे वापस पुनः इसी मृत्यु लोक में आता है। जब हम बात करते हैं स्वर्ग की, तो वहाँ असंख्य देवलोक विद्यमान हैं। इसी प्रकार से नरकों की संख्या और प्रकार भी असंख्य हैं। वास्तव में इन सारे लोकों में भोग शरीर के साथ ही प्रवेश होता है। स्वर्ण प्रकाशमय होता है, वहाँ एक स्तर तक एक ज्योति का प्रकाश हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार से नरक अंधकारमय है, वहाँ एक स्तर तक अंधकार हमेशा बना रहता है। देह या देह की स्थिति कोई भी हो, वो वज्र के समान दृढ़ हो या उसकी असाधारण आयु हो, युगांत में, महायुग के अंत में, कल्प के अंत में या महाकल्प के अंत में उसका पतन निश्चित होता है, अर्थात उसका पतन अवश्यंभावी है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हिंदू धर्म में आत्मा जो कि अनंत और अविनाशी है, कि जीवन यात्राओं और विभिन्न ब्रह्मांडों एवं लोकों में उसके क्रिया कलापों के सिद्धांतों को परिभाषित किया गया है। हिंदू धर्म के मृत्यु उपरांत जीवात्मा के शरीर का निर्माण, विभिन्न लोकों में गमन आदि के सिद्धांतों से प्रेरित है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता के कर्मकांड और सिद्धांत, दुर्भाग्य से प्राचीन मिस्र की सभ्यता के खंडहर ही बचे हैं अपनी कहानी कहने को। इसी तरह से माया सभ्यता के भी कर्मकांड और सिद्धांत हिंदू धर्म से प्रेरित हैं। इन सभ्यताओं के वंशज आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन समय के अंतराल में खोई इन सभ्यताओं से जब भी कोई रोशनी की किरण फूटेगी, लोगों की आंखें चकाचौंध होंगी। धन्य है वे प्राचीन ऋषि मनीषी जिन्होंने सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों तक तप किया और प्रकृति और ब्रह्म द्वारा रचे गए इस सृष्टि के रहस्यों को न केवल समझा बल्कि उसे लिपिबद्ध भी किया और हमारे लिए छोड़ गए। यहाँ पर तप का अर्थ केवल समाधि अवस्था में बैठकर ध्यान लगाने से ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि तप का अर्थ यहाँ अनुसंधान से है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, पुलत्स्य, अगत्स्य आदि के त्यागपूर्ण जीवन को दुनिया कभी नहीं भूल सकती और उनके द्वारा लिपिबद्ध किए गए ज्ञान की मानवता हमेशा ऋणी रहेगी। दोस्तों, ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।